भेजा भैया मैं देख रहा हूँ हाँ भैया 3-4 किलो बोल रहे थे सब है तो मेल इसमें हाँ देखो आप देखो पर भाव तो आपको एक हफ्ते में काटना पड़ेगा 8-10 दिन 7-8 दिन के अंदर 5-6 दिन के अंदर कि मुझे ऑर्डर उठाना होगा मुझे भी आप सोना कर आप सामना कर तो मुझे मथुरा में टोटल होलसेल का काम है और करवा चौथ पे टोटल मेन काम जो आता है हर महिला करवा चौथ पर भिक्षा जरूर बदलती है उनका ये शगुन होता है कि करवा चौथ पर भिक्षा बदलना तो भिक्षा की तो इतनी बम्पर सेल होती है और ऑल ओवर इंडिया से अपने यहाँ मथुरा में बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है भिक्षा की पायलों की बहुत बड़ी यूनिट है तो इस चक्कर ऑल ओवर इंडिया से व्यापारी मथुरा पायल वायल लेने आता है पायल भिक्षा लेने आता है। पिछली बार की करवा चौथ और इस बार की में कितना अंतर दिखाई देता है आपको GST और नोटबंदी के बाद? देखो ये पायल और भिक्षा एक ऐसी चीज है जो आदमी को लेडीज को लेनी लेनी है तो उसमें इतना कोई फर्क वैसा नहीं है कि उसमें की GST के कारण से इसमें कोई कमती हुई हो सेल में उसमें कोई फर्क नहीं है। तो जिस तरह से करवा चौथ के लिए आप ये बिछिया और पायल तैयार कर रहे हैं कितनी तरह की किस किस तरह की डिजाइन आप लोग तैयार कर रहे हैं? और डिजाइन है इसमें सैकड़ों डिजाइन है और अलग अलग जगह से भी माल आता है जैसे कोल्हापुर का भी माल आता है हमारे यहाँ राजकोट का भी आता है सेलम से भी आता है अलग अलग जगह के माल आते हैं उधर की वैरायटी अलग होती है यहाँ की वैरायटी अलग होती है हमारा होलसेलर काम है हमें सब जगह की वैरायटी रखनी पड़ती है तो और दुकानदार आस पड़ोस इधर उधर के दुकानदार बाहर के दुकानदार हमारे यहाँ से आते हैं वो सब वैरायटियों का मेल बना बना के ले जाते हैं। तो करवा चौथ से पहले कितने दिन पहले आपको ये ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है? 2 महीने पहले से इसकी तैयारी करनी पड़ती है इस दिन के लिए और ये हमारा 15-20 दिन पहले से सेल निकलना चालू हो जाती है इस चीज़ की क्योंकि फिर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर लास्ट टाइम पर माल इतना बन नहीं पाता प्रॉपर तरीके से तो पहले से 2 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है।